जब तक भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर नहीं बन जाता तब तक एक समय ही भोजन करूंगा। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। अयोध्या में सोमवार को राम मंदिर के गर्भगृह में श्री रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। इस मौके पर देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित हुए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी कोटा में अपने निर्वाचन क्षेत्र में रामगंज मंडी में एक अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर नया प्रण ले लिया है। पहले मैं आपको वो संबोधन दिखा देती हूँ जिसमें मंत्री दिलावर प्रण ले रहे हैं। अब आज के बाद जब तक भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर नहीं बन जाता तब तक एक समय ही भोजन करूंगा। मदन दिलावर ने अपने संबोधन में कहा है कि जब तक भगवान कृष्ण के जन्म स्थल पर भव्य मंदिर नहीं बन जाता है तब तक वे दिन में एक ही बार भोजन करेंगे। दिलावर ने कोटा में अपने निर्वाचन क्षेत्र रामगंज मंडी में एक अभिनंदन समारोह में कहा कि जब तक भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल पर भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता, मैं आज से ये प्रण लेता हूँ कि दिन में बस एक ही बार भोजन करूँगा। अपने संबोधन में दिलावर ने याद किया कि कैसे उन्होंने 1992 में अयोध्या में अपने सहयोगियों की अवैध हिरासत और उन पर हत्या के मनगढ़ंत आरोप लगाए जाने के खिलाफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो कि अब कैबिनेट मंत्री भी हैं, एवं सैकड़ों कार्य सेवकों के साथ प्रदर्शन किया था। ऐसा नहीं था ऐसा कि एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया था किसी ने और उसके आरोप में लगभग 11 कार सेवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और कहा कि ये हत्या के दोषी हैं। हमने बहुत कहा प्रशासन को कि इनका कोई लेना देना नहीं है, कार सेवक ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हम कई कुछ लोगों ने जो लगभग 1600 लोग थे हमने देश सभा में जाप किया कि जब तक उन कार सेवकों को नहीं छोड़ दिया जाता है तब तक न्याय से नहीं हटेंगे। थोड़ा विलंब हुआ तो मैंने सबसे पहले कहा कि मैं ही यही आत्मदाह करूंगा। लकड़ियां और केरोसिन का तेल आने लगा। डॉक्टर किरणलाल जी को पता चला, वह सैफ दलबल के साथ आए, उन्होंने भी घोषणा की कि अकेला मदन दिलावर आत्मदाह नहीं करेगा, मैं भी यहाँ सैकड़ों लोग जो उपस्थित है हजारों लोग उपस्थित के साथ आत्मदाह करूंगा। 6 बार के विधायक और 3 बार के मंत्री हैं। दिलावर ने फरवरी 1990 में शपथ ली थी कि अयोध्या में जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक वे फूलों की माला नहीं पहनेंगे। सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने के बाद दिलावर को उनके समर्थकों द्वारा फूलों की 34 किलोग्राम की माला और पुष्प निर्मित 108 फुट लंबी एक नई माला पहनाने की पेशकश की गई। हालांकि दिलावर ने इन मालाओं को यह कहते हुए पहनने से इनकार कर दिया कि 31 जनवरी को अयोध्या में मंदिर में रामलला के दर्शन के बाद वे माला पहनेंगे। इस उत्सव के दौरान ही जमकर थिरकते हुए दिखाई दे शिक्षा मंत्री, आइए वो नजारा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। में दिलावर ने यह भी संकल्प लिया था कि जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त नहीं होता तब तक वे बिस्तर पर नहीं सोएंगे। बताया जाता है कि 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तब तक वे चटाई पर ही सोते थे।
इसके बाद वे बिस्तर पर सोने लगे। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ, मैं नेहा जोशी। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।